वेलम ग्रेन इनसाइड हुरिनी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज, मैं हूँ एक अफेक्शन क्राउड आर्टिस्ट। तो आज हम बात करेंगे वेलम ग्रेन्स के बारे में, किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे सिमुलेट कर सकते हैं वेलम के थ्रू। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, मैंने एक मॉडल इंपोर्ट किया है स्केच फैब से। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है और यहाँ पे मैंने ये जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री थी उसको ब्लास्ट कर दिया है। ओके, सिंपल। और उसको ये आप स्केल देख सकते हैं इसका कितना बड़ा है, तो मैंने इसको छोटा किया है स्केल को, सिंपल। उसके बाद इसके पॉलीगन्स काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने इसको पॉली रिड्यूस डाला है, जिसके मैंने सिर्फ 50% पॉलीगन्स रखे हैं। एंड देन इसका मटेरियल वगैरह जो है मैंने उसको सबको क्लीन कर दिया है। ओके, सो आफ्टर दिस मैंने इसको इम्पोर्ट किया है अपने सिम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम टैब, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पे सिम टैब को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम इस पर आगे का वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उस पर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक नोड लगाना है वेलम ग्रेन्स का, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्फ़िगर ग्रेन्स। और यहाँ पे जैसे आप इनेबल करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको इनेबल नहीं करते। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, तो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू ये पॉइंट क्रिएट कर देगा। जैसे आप इसको इनेबल करते हैं तो ये देखिए इस तरह से ज्योमेट्री में पॉइंट्स बना देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स हैं और यहाँ पे परफेक्टली ज्योमेट्री की शेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको जितना कम करेंगे इतना ही एक्यूरेट आपकी ज्योमेट्री को लेगा, लेकिन ध्यान रखिए उतना ही ये हैवी होगा। तो आप इसको पॉइंट्स में बहुत ही लो वैल्यू में जाइए, लाइक 0.1 था तो मैं इसको 0.05 रख करता हूँ पहले। तो यहाँ पे अभी भी हमारी शेप सही नहीं आई है, तो मैं इसको 0.02 कर लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स हमारी शेप आ चुकी है। तो पहले हम इसी पर सिमुलेट करेंगे, तो बाद में हम सिमुलेशन के बाद इसको बढ़ा देंगे जितनी भी हमें वैल्यूज़ की चाहिए। अभी हमने सिंपल ये ग्रेन्स में कन्वर्ट किया है, आप चाहे तो यहाँ से जिटर साइज कर सकते हैं, जिटर स्केल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो जिटर हो जाएंगे, रैंडमली कहीं भी प्लेस हो जाएंगे। तो उससे क्या है, एक्चुअल जो शेप है, एक्चुअल जो आपकी एजेस थी वो नहीं दिखेंगी। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपकी ज्योमेट्री लेना चाहता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल एक वेलम सॉल्वर यूज़ करूँगा। ओके, वेलम सॉल्वर हमने यूज़ किया, इसमें कुछ सेटिंग्स है वो आपको करनी पड़ेंगी। क्या आप ये बात ध्यान रखें, जब भी आप वेलम पे वर्क करें तो उसका सब्सट्रैक्ट कम से कम 5 या 6 तो होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। ओके, एंड देन कॉन्स्टेंट इलस्ट्रेशन, जो इनके बीच की कॉन्स्टेंट्स होंगे उनका इलस्ट्रेशन मैं 10 रखता हूँ। ओके, तो ये सेटिंग्स आपको करनी है। एंड देन आपको इनेबल करना है आपका ग्राउंड प्लेन को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके गाइडेड ज्योमेट्री दिख रही है आपको ग्राउंड प्लेन की, तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब मैं इसको जैसे ही प्रेस करता हूँ तो पहले मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। ओके, एंड देन अब मैं इसको सेव रियल टाइम पे प्ले करूँगा, आप देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड से कोलाइड होके नीचे गिर रहा है। ओके, तो ये हो गई एक सिंपल ग्रेन सिमुलेशन। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक कंडीशन डालेंगे जो कि है कि स्टैटिक होनी चाहिए, एंड देन हमारे जो हमारा इसका हैंड है वो सिर्फ नीचे गिरना चाहिए, एंड देन बॉडी इसकी गिरनी चाहिए, जो भी आप गिराना चाहते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लेता हूँ एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल और इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, एंड देन इसको यहाँ पे। तो इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगा यहाँ पे एक एफ फ्लोट एट द रेट मास जो होगा इसका इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसका मास दे दिया 0। अब ये बिल्कुल स्टैटिक है, आप इसको रन कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल स्टैटिक कर दिया है। ओके, तो अब मैं वापस से जाता हूँ और हमें इसको एक ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको मास देना है। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप लेता हूँ, ग्रुप। ओके, इसका नाम दे देंगे हम एक्ट। ओके, एक्टिव। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप को इनेबल करते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं कीप इन बाउंडिंग रीजन। तो हम कीप इन बाउंडिंग रीजन के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉक्स आ गया है, बॉक्स की जगह लेता हूँ स्फेयर, स्फेयर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड देन इसको यहाँ से पिवट पे जाके इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है अभी, तो आप यहाँ पे जाएंगे प्रिमिटिव पे, ग्रुप टाइप इसका प्रिमिटिव है, इसको कर देंगे पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं अब ये पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा है,
ओके तो अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ इस तरह से यहाँ पे, और इसको बाहर रखते हैं इस जगह। ओके तो अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे एनिमेशन की डालता हूँ, 6 फ्रेम पे भी यही रहने देता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं इसको अबाउट और 15 फ्रेम तक इसको मैं एनिमेट करूँगा। तो मैं इसको सिंपल ऐसे रखता हूँ यहाँ पे, एंड हल्का सा इसको कर दूँगा मैं नीचे, ठीक है। और इस बार मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे अल्ट के साथ क्लिक, तो ये हो गया सेट की। तो आप देख सकते हैं आप हमारे ग्रुप ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब इस ग्रुप को यूज़ कैसे करेंगे हम वेलम में, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे लेंगे एक पॉप रैंगल, पॉप रैंगल ओके, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे जाएंगे इनपुट्स पे, और यहाँ इनपुट सेकंड है, यहाँ पे दे देंगे हम इसको पाथ। तो वो जो हमारा रैंक ग्रुप था उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारा ग्रुप वन एक्ट जो है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब कोड पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम इफ ब्रैकेट एट द रेट इफ ब्रैकेट इन पॉइंट्स ग्रुप, जो हमारा इन पॉइंट ग्रुप है, और वो क्या था सेकंड इनपुट, तो इसमें लेगा वो फर्स्ट इनपुट, एंड यहाँ पे उसका नाम दे देंगे हम एक्ट ओके, जो कि होगा अकॉर्डिंग टू पी टी नम के, और इसको इक्वल कर देते हैं वन के, अगर वो वन के इक्वल है ठीक है, देन एंटर। और यहाँ पे करते हैं हम, तो उसका मास होगा जो हमने जैसे बाहर डाला था तो ज़ीरो किया था, यहाँ पे हम दे देंगे वन ओके। तो ये हमने कोड यहाँ पे डाल दिया, अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो बाहर जाएंगे एंड वेलम पे क्लिक करेंगे, वेलम सॉल्वर पे, एंड देन इसको सिमुलेट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे ही हमारा स्फेयर एनिमेट हो रहा था जिस अकॉर्डिंग, वैसे वैसे हमारे जो वेलम ग्रेन्स हैं वो नीचे आ गए क्योंकि उनका मास वन हो गया। तो इसी तरह से आप उसको किसी भी तरह से एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ रोक सकते हैं एंड देन फिर उसको एनिमेट करेंगे, फिर नीचे से भी एनिमेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप जैसे भी उसको एनिमेट करते हैं ग्रुप को, उसी तरह से हमारे ये जो है ग्रेन्स सिमुलेट होंगे ओके। तो यही थी आज की वीडियो ग्रेन्स के बारे में, वेलम ग्रेन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर किसी भी टॉपिक्स पे अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीक वीडियो लेके आऊँगा अगर हो सके तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।